तो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ घीहू आटे की गुलाब जामुन। इसके लिए मैं ले रही हूँ 2 चम्मच घी। देख सकते हैं कढ़ाई गर्म हो चुकी है। मैंने लिया एक बाउल आटा। हमें इसे खुला होने तक फ्राई करना है मीडियम फ्लेम में, मीडियम से लो फ्लेम पे। ज़्यादा फ्लेम पे इसे फ्राई करोगे तो ये जल जाएगी, जल्दी से फ्राई हो जाएगी लेकिन जल से जल जाएगी और जो स्वाद है वो अच्छा नहीं आएगी। तो देख सकते हैं गांठ गांठ पड़ चुकी है, इसे अच्छे से मिलाती हुई इसे फ्राई करना है। अच्छे से गोल्डन ब्राउन की इसमें कलर आने तक इसे फ्राई करना है, जिससे आटा का स्वाद नहीं आएगी और कच्चापन नहीं लगेगी। इसे कलर आने तक ही फ्राई करें और बहुत टेस्टी लगती है आटे की बनी हुई गुलाब जामुन। एक बार बना के ज़रूर देखें। बीच बीच में इसे चलाते रहें, इसे छोड़ के ना फ्राई करें क्योंकि जल जाएगी आटा। तो देख सकते हैं फ्राई हो चुकी है। गांठ को हमें अच्छे से हाथ की सहायता से मस कर लेना है, जो भी गांठ है इसे। और भिनी भिनी इसमें से बहुत सुंदर खुशबू आ रही है, खुशबू आ चुकी है, मतलब हो चुकी है। देख सकते हैं बीच से कलर होने स्टार्ट हो चुकी है, हल्का गोल्डन ब्राउन। अब इसे हम उतार लेते हैं। इंडक्शन पे बना रही थी, इसे मैं बंद कर ले रही हूँ थोड़ी देर के लिए। अब इसे निकाल लेंगे। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैं आटा को निकाल रही हूँ थाली में। तो बताना भूल चुकी थी, सॉरी फ्रेंड्स, कि मैंने आटा को छान के ली थी मैं। तो आटा को आप छान के लिए, थोड़े बहुत बुरादा रहती है वो निकल जाती है या कुछ भी है, फिर भी थोड़ा छान के लें। पता नहीं कौन सी आटा में बुरादा है कौन सी में नहीं है, तो उसके हिसाब से छान लें एक बार। तो इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दें। जैसे ही हम फ्राई करके निकालते हैं तो कढ़ाई से तुरंत थाली में निकाल लें, क्योंकि उसे गर्म रहती थाली तो उसे जलने की संभावना बढ़ जाती है, इसलिए कढ़ाई में ना रखें। इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं, अभी काफ़ी गर्म है, इसे गुथने में दिक्कत जाएगी। बनाने जा रही हूँ इंडक्शन पे चाशनी। मैंने लिया है 1 गिलास पानी। और थोड़ा सा और डाल रही हूँ, जितना आटा लेना है उसका 1.5 गुना पानी लेना है। हल्की हल्की उबाल आ चुकी है, इसमें मैं डाल रही हूँ चीनी। देख सकते हैं एक कटोरी से थोड़ा सा कम, इतना बड़ा है कटोरी। शुगर, चीनी, आप क्या बोलते हैं उस हिसाब से मैंने लिया है। इसमें 2 इलायची जैसे टुकड़े टुकड़े कर लिया है, इसमें डाल रही हूँ मैं। आप इलायची की जगह इलायची पाउडर भी यूज़ कर सकते। अरे वही चम्मच है जिसमें मैंने आटा को फ्राई की थी। हम इसे एक तार होने तक चाशनी नहीं बनाना है। आप लोगों ने, लगभग सभी लोगों ने गुलाब जामुन खाई होगी तो उसके चाशनी को देखा होगा, वैसे ही गाढ़ा चाशनी से तैयार करना है। पानी में घुल जाएगी ये, इसके बाद एक गाढ़ा चाशनी बनके तैयार हो जाएगी। वैसे ही बिल्कुल पकाना है इसे। इसे हम छोड़ देते हैं, तब तक आटा को हमारा गूंथ लेते हैं। सकते हैं थोड़ा सा चीनी बची है, बाकी भूल गई है। मीडियम फ्लेम पे इसे बनाएं। देख सकते हैं मैंने एक एक करके सारे जो गांठ बने हुए थे उसे मैंने ठीक कर लिया है।
इसमें भी मैंने लिया है 2 इलायची। ठंडा हो चुकी है आटा, इसे भी मैंने, आप इसकी जगह आटे में इलायची पाउडर अगर यूज़ करें तो बहुत अच्छा होगा। अब इसे हमें वैसे ही गूंथना है, ऐसे चेक करना, अगर ऐसे बन जाती है तो हमारा आटा तैयार है गुलाब जामुन बनने के लिए। इसके लिए लिया है मैंने दूध, देख सकते हैं रूम टेम्परेचर है, दूध है, थोड़े थोड़े करके डालें। जैसे हम आटा गूंथते हैं बिल्कुल हमें ऐसे ही गूंथना है। आटा का थोड़ा सख्त रहता है, रोटी बनाते हैं उसका, तो इसे हमें थोड़ा सा नरम गूंथना है। थोड़े थोड़े करके डालें। आप इसमें मलाई डाल सकते हैं, अगर मलाई नहीं है आपके पास तो इसमें आप दूध पाउडर भी डाल सकते हैं। तो मैं दोनों को ही इसमें स्किप कर रही हूँ, अगर आप हैं तो आप डाल सकते हैं, उससे स्वाद और भी अच्छा आती है। दूध डालने के बाद कितनी अच्छी खुशबू आ रही है इससे कि मैं आपको बता नहीं सकती, आप जब बना के देखेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगी कि कितनी अच्छी खुशबू आती है। इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गुलाब जामुन जो बनेगी कितनी अच्छी और बहुत कितनी स्वादिष्ट बनेगी। तो मैं थोड़े थोड़े करके इसे पूरा गूंथ ले रही हूँ, देख सकते हैं, देख सकते हैं आटा कितने अच्छे से गूंथ चुकी है और आटा चिपकती नहीं है थाली के साथ। और हमें ऐसे ही चिकनाई से बॉल बना लेना है, देख सकते हैं। आप चाहे तो अगर चिकना नहीं बनती तो इसकी जगह तेल या आप घी का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसे मैं अच्छे से बॉल्स बनाती हूँ, अगर इसमें मैं खाने का सोडा डाल दी होती तो और भी अच्छा से फूल सकता था, लेकिन आपको जिस भी साइज़ में पसंद है उस साइज़ में इसे आप बॉल्स बना सकते हैं। जिस तरह से आप आटे का बॉल्स बनाते हैं उसी तरीके से अच्छे से, तो दोनों हाथ से इसे मैं बनाऊँगी तो बना के दिखाती हूँ मैं आपको। देख सकते हैं कितनी अच्छी सुबाल आ चुकी है, चाशनी और चीनी पूरा से हो चुकी है। तो हम इसे नहीं चेक करना है कि एक तार आया ही नहीं आया है, बस ये चप चप पोस्टा बनना स्टार्ट हो चुकी है, मतलब चाशनी बन के तैयार है। और जिस तरीके से आप जानते हैं कि आपको किस तरीके से, जिस तरीके से आप लोगों ने खाया है गुलाब जामुन, वैसे ही हमें गाढ़ाई से चाशनी तैयार करना है बिल्कुल। अब ये हो चुकी है, मैं इंडक्शन बंद कर देती हूँ और इसे उतार लेती हूँ। फ्रेंड्स देख सकते हैं मैंने कढ़ाई पे तेल डाल दिया, जिस कढ़ाई में मैंने आटा को फ्राई की थी, भूनी थी, उसी कढ़ाई में। जब तक मैं अपना बॉल्स तैयार कर लेती हूँ तब तक के लिए तेल भी गर्म हो जाएगी, तो तब तक के लिए तेल को गर्म होने के लिए छोड़ देते हैं, तब तक मैं अपना बॉल्स बना के तैयार कर लेती हूँ। देख सकते हैं फ्रेंड्स तेल गरम हो चुकी है, मैंने चेक कर लिया कि तेल गरम हुआ है कि नहीं हुआ है। तो एक एक करके बॉल्स इसमें डाल देते हैं, एक साथ में जितना बॉल्स आएगी आप उतना डाल सकते हैं। इसे मीडियम फ्लेम पे फ्राई करें, जिस तरीके से मार्केट में मिलता है गुलाब जामुन वैसे ही वैसे ही कलर आने तक इसे फ्राई करें। इसे तुरंत डालने के बाद कलछी की या किसी भी चाहता से ना हिलाएं, ऐसे हिलाएं। देख सकते हैं किस तरीके से इसमें अच्छे से और फूल गई है बड़े बड़े साइज़ में। अगर इसमें हम खाने का सोडा डाल दें तो ये और भी इससे साइज़ बड़ा हो सकती थी। और जिस तरीके से मार्केट में मिलता है उसी प्रकार से उतने ही कलर इसमें आने तक इसे फ्राई करना है। देख सकते हैं फ्रेंड्स गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, फिर मार्केट में गुलाब जामुन मिलती वैसी ही बिल्कुल लग रही है।
इसे चाशनी में डाल दें तुरंत। सारे बॉल्स को मैंने डाल दिया चाशनी में, देख सकते हैं लग रही है ना एकदम गुलाब जामुन की तरह। अब इसे 2 से 3 मिनट के लिए से ढक के पकाएं। देख सकते हैं फ्रेंड्स कितने अच्छे से मिल चुकी है, 2 से 3 मिनट हो चुकी है। अब इसे हम उतार देते हैं, अब इसे उतार देते हैं। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं गुलाब जामुन बनके रेडी है और कलर भी काफ़ी अच्छी है और खिलखिल लग रही है। तो इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं, ढक्के से ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं गुलाब जामुन बनके तैयार है, इसे घर के लोग मेरे टेस्ट भी कर चुके हैं। तो ये बहुत ही सॉफ्ट ही बनी है, बहुत ही सॉफ्ट है और जूसी भी है। तो मैं आपको निकाल के दिखा रही हूँ, बहुत ही यम्मी लगती गेहूँ के आटे की गुलाब जामुन। देख सकते हैं इसे मैं थोड़ा ज़्यादा उबाल डाली थी इसलिए इसमें का पिघल गया रस, देख सकते हैं कितना रसीली बना है एकदम मस्त जूसी। तो एक बार आप भी बना के देखिए इस तरीके से गुलाब जामुन, जब खाने का मन हो गुलाब जामुन और घर में गुलाब जामुन का सामान ना हो तो इस तरीके से गुलाब जामुन बना के देखें और खाएं, बहुत टेस्टी लगती है।